भाई करें शुरू। 10 जून को होने वाला iOS 18 लॉन्च और लास्ट मिनट कुछ लीक्स निकल कर आई हैं। iOS 18 की कुछ कमाल के फीचर्स निकल कर आए हैं। अब कहा जा सकता है फाइनली कि एंड्रॉइड और एप्पल के बीच में भेदभाव खत्म होने वाला है और कुछ तो ऐसे फीचर हैं जहां पर दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर तो दोस्ताना हो गया, लेकिन एंड्रॉइड और एप्पल यूजर आपस में लड़ने वाले हैं कि तूने मुझसे कॉपी करा, तूने मुझसे कॉपी करा। खैर, इन सारी चीजों की हम आज बात करने वाले अच्छे से, तो वीडियो पूरी देखना शुरू से लेकर एंड तक, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना और आप अपना फेवरेट फीचर बताना iOS 18 का कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले कुछ छोटे मोटे चेंजेस की बात कर लेते हैं। इस बार iOS 18 की अपडेट के बाद जो आपके ऐप आइकन है ना, उसे उठाकर आप कहीं भी रख सकते हो एंड्रॉइड की तरह। अभी क्या है, iOS 17 के साथ कहीं भी रखते हैं आइकन को तो रीअरेंज हो जाते हैं बाकी के आइकन, तो वो नहीं मिलेगा। अब एंड्रॉइड की तरह आजादी मिलेगी। प्लस यहाँ पर अब आप ऐप आइकन के कलर पैक को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तो एक बहुत बड़ा मूव है जो कि आईफोन के अंदर हमें कई सौ साल बाद देखने के लिए मिला है और एंड्रॉइड तो इसे बचपन से दे रहा है, जलवा है हमारा। बाकी जैसे मैंने बोला था, एप्पल और एंड्रॉइड मिलकर इस बार साथ काम करने वाले हैं। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई है भाई, शादी वादी करा देते हैं। खैर, यहाँ पर भाई एप्पल के अंदर जैसे कि आई मैसेजिंग ऐप होती है जो एप्पल टू एप्पल वर्क करती है, एंड्रॉइड यूजर यहाँ से बहुत भेदभाव समझते थे, तो अभी एंड्रॉइड के साथ भी काम करेगी। लेकिन ये आई मैसेजिंग ऐप नहीं होगी, ये RCS प्रोटोकॉल का यूज लेगी। जितने भी एंड्रॉइड फोन है जिसमें कि एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड इकोसिस्टम बोला जाता है, RCS प्रोटोकॉल मतलब जो लेटेस्ट जनरेशन प्रोटोकॉल को यूज करके मैसेजिंग की जाती है, वो अब एप्पल के साथ भी काम करेगी, जिससे कि एप्पल और एंड्रॉइड के बीच में इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके आप मैसेज कर सकते हो, हाई क्वालिटी फोटो सेंड की जा सकती है, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, तो वो सारे काम हो जाएंगे लगभग जो व्हाट्सएप कराता है। तो मेरे को लगता है भाई व्हाट्सएप का तो गेम बजने वाला है। अभी कुछ कंपनी है जिन्होंने भाई एप्पल के कंट्रोल सेंटर को बिल्कुल सेम टू सेम चिपकाया हुआ है। इवन मैं भी कंफ्यूज हो गया काफी बार तो, कि मैं एप्पल का फोन चला रहा हूं एंड्रॉइड फोन चला रहा हूं। अभी एप्पल उन लोगों को चकमा देने वाला है, क्योंकि बिल्कुल एक नया कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलेगा iOS 18 के अपडेट के बाद आपको अपने आईफोन में। बट यहां पर कमाल की बात यह है कि कोई भी अभी तक इमेज निकल कर नहीं आई है। जब iOS 18 लॉन्च होगा जब ही आपको पता लगेगा कि कैसा लगेगा देखने में। बहुत तेज हो रहा है ऐसा मेरे को इसलिए लग रहा है, कहीं एप्पल से पहले कोई एंड्रॉइड फोन कॉपी ना कर ले, इसलिए एप्पल ने छिपा के रखा तिजोरी विजोरी के अंदर। और अब सेटिंग्स के अंदर किसी भी ऑप्शन को नेविगेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी क्या है, काफी बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कहां है ऑप्शन कहां है ऑप्शन, तो सर्च बार में करना पड़ता है। अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा सेटिंग्स को चेंज करके। खैर, iOS 18 की जैसी बीटा वर्जन रोल आउट होगा, आपका भाई आपको प्रॉपर वीडियो देगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं रियलिटी के अंदर। अच्छा। और इसी तरीके से हमने एंड्रॉइड 15 की एक अपडेट पर वीडियो बनाई है जिसमें हमने बीटा वर्जन 2 का बताया कि क्या क्या चेंजेस आए। अगर आपने चेकआउट नहीं करी तो हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी एक बात कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि जब भी आप किसी कार या बस में बैठे हो और फोन को चला रहे हो, टैब्स चला रहे हो, तो उस टाइम पे आपको भी क्या मोशन सिकनेस होती है? क्योंकि मेरे साथ बहुत होती है, मेरे को तो ऐसा लगता है अभी मैं उल्टी कर दूंगा। इसी वजह से मैं अपने फोन और टैबलेट्स को साइड में करके म्यूजिक भी सुनना है तो कार में बजा के सुनता हूं। तो अभी इसको ना एप्पल ने नोट करा और यहां पर एक्सेसिबिलिटी के अंदर एक फीचर ऐड करा है जिसके बाद आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी कितना भी मस्त फोन चलाओ। और इस फीचर का नाम है व्हीकल मोशन क्यू, जिसे इनेबल करते ही आपके फोन या टैब की डिस्प्ले पर काफी सारी डॉट्स आएंगी। अब जिस डायरेक्शन में आपकी कार चलेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो डॉट्स मूव करेंगी, ताकि हमारे माइंड को ये लगे कि हम भी मूव कर रहे हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हमें मोशन सिकनेस ज्यादातर इसी वजह से होती है, हमारी आंखों और कानों के बीच में कंफ्यूजन रहती है कि हम चल रहे हैं रुके हैं, इसी वजह से हमें मोशन सिकनेस होती है। तो लेकिन ये जो क्यूज ऑप्शन इन्होंने डाला ना, इससे काफी हद तक वो कम हो जाएगा, और जैसी ब्रेक लगेंगे ना फिर से वो अपोजिट डायरेक्शन में डॉट मूव करेंगी जिससे हमें मोशन सिकनेस नहीं होगी। तो ये काफी बड़ा एक मेरे को प्लस पॉइंट लगा है iOS 18 फीचर में। iOS 18 के साथ आई ट्रैकिंग फीचर भी मिलेगा इस बार iPad और iPhone के अंदर, जो कि हमने Vision Pro के अंदर देखा था। बेसिकली आप अपनी आंखों से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या ओपन करना है, किस आइकन के पास जाना है, तो वो सब अब आप अपने iPhone के अंदर भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अब वोकल शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हो। अब वोकल शॉर्टकट को मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ, मानो मेरा फोन कहीं रखा है और मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट ऐड कर दूंगा रिंग माई फोन, तो भाई फोन रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप काफी सारे शॉर्टकट्स बना सकते हो। बेसिकली यहाँ पर काफी लोग बोलेंगे भाई ये तो सिरी वैसी कर देगी, लेकिन आपको पता होगा सिरी की ताकत जब तक है जब तक इंटरनेट कनेक्ट है, इंटरनेट जैसी जाएगा सिरी आधा काम करना तो बंद ही कर देती है, तो यहाँ पर काम आएंगे वोकल शॉर्टकट। अब नेक्स्ट फीचर आता है लाइव स्पीच। बेसिकली यहाँ पर ये है फिजिकल डिसेबल लोग जो कि देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए यहाँ पर जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो सबटाइटल्स आते हैं, तो ये लाइव टाइम पे आपको ट्रांसलेट करके बताएगा कानों में कि क्या बोला जा रहा है, जिससे कि वो भी इस चीज का एक्सपीरियंस ले पाएंगे मूवी या किसी वीडियो को देखते हुए। ये भी एक
काफी अच्छा फीचर है। बाकी जैसे कि एंड्रॉइड अब एआई पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, मतलब आई पर, तो भाई एप्पल कैसे पीछे रह जाए। एप्पल भी एआई पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, आईओएस 18 के अपडेट के बाद एआई के काफी फीचर्स मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर जो मैक्सिमम फीचर्स होंगे वो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर ही मिलेंगे, बाकी के जो पीछे वाले फोन हैं उसके अंदर कम फीचर्स मिलने वाले हैं। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो आपको फोटो गैलरी के अंदर मिलेगा ऑटो रीटच का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी इमेज को थोड़ा रिफाइन कर दिया जाएगा, जैसे कि सैमसंग के अंदर हमें फीचर मिलता है, ये लाइट रूम के अंदर भी हमें फीचर पहले से मिलता है। तो एप्पल अब अपनी गैलरी के अंदर भी इसे ऐड करने वाला है। बाकी यहाँ पर जैसे कि गूगल पिक्सल के अंदर या सैमसंग के अंदर आपको मैजिक इरेजर मिलती है, बैकग्राउंड रिमूव का टूल मिलता है, तो वो सब आपको भी यहाँ मिलने वाला है। यहाँ तक कि आप फोकस चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट पर फोकस करके बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। तो अब ये सारी चीजें अब आपको एंड्रॉइड के साथ साथ आईफोन के अंदर भी मिलने वाली है नई अपडेट के बाद। इसके अलावा जैसे कि अगर आप एप्पल म्यूजिक सुनते हो, आपको पता होगा एप्पल म्यूजिक का रिकमेंडेशन कितना ज्यादा वाहियात है, मतलब मैं सुन रैप रहा हूँ एकदम गजल चालू हो जाएंगी, तो मेरे को ये बहुत ज्यादा बेकार लगता था। तो अभी क्या है, आपके म्यूजिक टेस्ट के हिसाब से एप्पल म्यूजिक समझेगा, मतलब एआई यहां पर काम कर रहा है और उस हिसाब से ही आपको एप्पल रिकमेंड करेगा कि आपको ये वाला म्यूजिक सुनना चाहिए या नेक्स्ट म्यूजिक ऑटोमेटिकली दूसरा प्ले हो जाएगा उसी जोनर का। साथ ही वो आपके टेस्ट के हिसाब से एक अलग प्लेलिस्ट ऐड कर देगा लाइब्रेरी में, तो वो भी आप जाके सुन सकते हो। तो अब आएंगे मजे काम धामनी। और अब एक ऐसा फीचर जो कि ऑलरेडी सैमसंग के अंदर हमें मिलता है वो अब आपको आईफोन के अंदर भी मिलेगा, वो भी नोट्स एप्लीकेशन के अंदर, वो है वॉइस मेमो ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आप बोलोगे और आपका आईफोन वहां पर लिखेगा, तो ये बहुत आसान हो जाता है। और सैमसंग के अंदर तो काफी एक्यूरेटली काम करता है, तो देखना होगा एप्पल के अंदर कैसा करेगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि सबसे पहले हम ही वीडियो लाने वाले हैं। इसके अलावा एआई का एक और काम होगा जो कि मेल और मैसेज में काम करेगा। मानो आपको किसी ने मेल करा है तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली सजेस्टेड रिप्लाई मिलेंगे, जैसे कि ऑलरेडी हमें ईमेल के अंदर मिलते हैं, गूगल वगैरह देता है, तो वही अब आपको यहां पर भी मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट है ऑटो जनरेटिव इमोजी। जब भी आप कोई मैसेज टाइप करोगे तो आपके मैसेज के इमोशंस के हिसाब से अलग अलग इमोजी जनरेट करेगा इसका एआई। और ये कोई भी ऐसी इमोजी नहीं है जो कि आपके कीबोर्ड के अंदर ऑलरेडी है, हर बार आपको एक नई इमोजी मिलने वाली है इमोशंस के हिसाब से आपके मैसेज के। तो यहां पर वो तो ठीक है कि आप भाई नई नई इमोजी सेंड कर सकते हो, लेकिन सोचने वाली बात ये है एप्पल आपके सारे मैसेज पढ़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि हमें काफी बार मल्टीपल नोटिफिकेशन आती है, मानो 4-5 जनों ने कॉल करी और मैं रिसीव नहीं कर पाया, तो मैं पहली वाली कॉल को तो देख लूंगा लेटेस्ट कॉल आई है, लेकिन नीचे वाली कॉल्स को मैं मिस कर देता हूं। अभी क्या है एप्पल का एआई यहां पर भी काम करेगा और आपको रिमाइंड कराएगा बाद में कि भाई इनकी भी कॉल आई थी या इनका भी मैसेज आया था, इसको भी देख लो। तो ये नोटिफिकेशन रिमाइंडर मेरे को काफी बढ़िया फीचर लगा है। इसके अलावा यहां पर सिरी को अब और भी ज्यादा पर्सनलाइज कर दिया गया है। अभी तक सिरी छोटे मोटे काम करता था, लेकिन अब सिरी से आप किसी भी फोल्डर को खुलवा सकते हो किसी भी ऐप के अंदर और कहीं से भी किसी भी चीज को कॉपी करके दूसरी एप्लीकेशन के अंदर एक वॉइस कमांड से ही पेस्ट करा सकते हो। जैसे कि मेरी एक पीडीएफ पड़ी है फाइल के अंदर, तो यहां पर मैं सिरी से बोल के उसे ओपन कर सकता हूं। ओपन करने के बाद मैं उसे कॉपी करा के कहीं भी मूव करा सकता हूं, पेस्ट करा सकता हूं किसी भी फोल्डर के अंदर। तो इस तरीके से काम करेगा सिरी। और यहां तक कि अगर आप कोई आर्टिकल या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, तो आप सिरी से बोल के उसे समराइज करा सकते हो कितने भी वर्ड्स में, जैसे कि यहां पर 100 वर्ड्स में करा लेते ताकि आप आसानी से उसे पढ़कर समझ सको। और मानो आपको कोई न्यूज जाननी है, आप सिरी से बोलो एप्पल न्यूज खोल देगा, वहां पर जाकर आपको वो वाली न्यूज मिल जाएगी और आप वहां से पढ़ सकते हो। जैसे कि अभी इलेक्शन का रिजल्ट है, यहां पर इलेक्शन का रिजल्ट भी बताएगा कि कौन सी सरकार आने वाली है। तो ये कुछ थे एआई के फीचर। बाकी यहां पर आपने देखा होगा आईपैड के अंदर हमें ना कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो अभी एप्पल एक यूनिवर्सल कैलकुलेटर ऐप बनाने वाला है आईओएस 18 के साथ, आपको शायद वो मिल जाएगी, जिससे आईफोन आईपैड हर किसी के अंदर आपको सेम ऐप मिलेगी कैलकुलेटर की। तो फाइनली आईपैड के अंदर भी कैलकुलेटर आने वाला है। इसके अलावा कैलेंडर और रिमाइंडर अब एक साथ काम करने वाले हैं, जो कि काफी यूजफुल लगा मेरे को फीचर, क्योंकि मानो मैं कोई रिमाइंडर सेट करता हूं किसी पर्टिकुलर डेट का, तो वो अब हमें कैलेंडर के अंदर ही दिखा दिया करेगा, जो काफी यूजफुल लग रहा है। बाकी यहां पर एप्पल कार प्ले अगर आप यूज करते तो आपके लिए काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि अब आप वॉइस कमांड मतलब वॉइस कंट्रोल से भी उसके काफी सारे फीचर को एक्सेस कर सकते हो। अभी तक लिमिटेड थे, लेकिन अभी क्या है अगर आपको कुछ नेविगेशन लगानी है तो आप वॉइस कमांड से बोलोगे वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी, किसी ऐप को ओपन कर सकते हो और म्यूजिक तो हम कर ही सकते हैं पहले से। तो अब ये आपको थोड़ी सी एडवांटेजेस मिलने वाली हैं। बाकी यहां पर जो लोग कलर ब्लाइंड है उनके लिए भी अच्छी बात है कि अभी तक सिर्फ आपको एक ही कलर फिल्टर मिलता था एप्पल कार प्ले के साथ, लेकिन अब यहां पर मल्टीपल कलर फिल्टर्स मिलने वाले हैं, और जो कलर ब्लाइंड है जिनको कोई पर्टिकुलर कलर नहीं दिखाई देता उनके लिए भी काफी यूजफुल है। और अगर आप कार प्ले यूज कर रहे हो तो यहां पर अब आपको साउंड रिकॉग्निशन का भी एक फीचर मिलता है। मानो कोई हॉर्न बार बार हॉन कर रहा है या एम्बुलेंस पीछे से आ रही है आवाज करते हुए, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी भाई थोड़ा सा कार साइड कर लो, उन्हें पहले जाने दो। तो ये भी फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है स्पेशली एम्बुलेंस वगैरह के लिए। हालांकि इंडिया के अंदर तो नोटिफिकेशन आती रहेंगी, इतने हॉर्न बजाते हैं भाई पीछे वाले। तो ये कुछ फीचर आईओएस 18 के जो हमें इंटरेस्टिंग लगे हैं। इसके अलावा भी कुछ फीचर हैं जिन
की हम बाद में बात करेंगे जब बीटा वर्जन की अपडेट आ जाएगी। तो अपडेट के बाद एक हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हमने एंड्रॉइड 15 के बीटा वर्जन की बनाई है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी iOS की बीटा वर्जन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट में बताना कि आपको कौन सी अपडेट ज्यादा यूजफुल लग रही है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया सो करो, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद एचएफबीएन बॉक्स गाइस।